क्या आप कभी बातों में इतना खो जाते हैं? ईवा रुको, उप्स, ये मत कहना। हाँ वो पेंट गीला था, शायद अभी सूख गया हो। बिल्कुल भी नहीं। हाय केविन, मैं बस यहाँ से चली जाती हूँ। सोफिया मदद करो। ईवा चलो भी। हे, मेरे पास बहुत अच्छा आइडिया है, ये लो। चलो अब देखें। कपड़े को अपनी टांगों पर लपेटें, कपड़े को दो बार घुमाएं और इसे पीछे टिका दें। अभी प्यारी सी स्कर्ट है, काफी क्रिएटिव है ना? वो बहुत ही सुंदर। बढ़िया काम किया दोस्त। क्या मैं बहुत तेज बारिश आ रही है? वो बीतू की हवा। हे, वो मेरा एक इकलौता अम्ब्रेला है, उसे पोंचो कैसे मिला? क्या आप लोग भी ये सोच रहे हैं जब मैं सोच रही हूँ? चलो शुरू करें। पहले से रोल करें। अब बैग को खोलें और इसे सीधा टेबल पर रख दें। अब कुछ कैंचियां लें, बैग के साइड से काटें। अब नीचे तक जाए और दो जगह ही यहाँ पर। अब कटा हुआ स्क्वायर निकालें। देखा, ये सबसे जरूरी हिस्सा है क्योंकि ये हुड का आकार देता है। जब स्ट्रैप्स बन जाए, आप बारिश में जाने के लिए तैयार हैं। चलो चले, अब मुझे उड़ाकर दिखाओ हवा। चलो चले, ठीक है। अब गुब्बारे, ये पार्टी बहुत मजेदार होने वाली है और सबको गुब्बारे पसंद है। ये लो, बिल्कुल सही हवा, बस इसे बांधना है। उफ, ये इतना मुश्किल क्यों है? रुको, वापस आओ, उड़ना बंद करो। पार्टी के लिए मुझे तुम्हारी जरूरत है। हे, पार्टी की तैयारी कैसी चल रही? ओ माफ करना, मैं बस ये गुब्बारे फुलाने की कोशिश कर रही थी। सच में? ओ, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। तुम्हारी अलमारी में सीक्रेट वेपन है, एक कोट हैंगर। देखो, मुझे गुब्बारा दो और मैं तुम्हें दिखाऊंगी। बस कोने को हैंगर वायर्स पर लपेटो, फिर इसे ऊपर करके हैंगर से निकाल लो। अब इसे टाइट कर लो। हो गया। वाह, आसान और बहुत अच्छा। इससे तो सब बहुत आसान हो जाएगा। चलो पार्टी शुरू करें। पार्टी टाइम, मजे करो। हे, मैं फ्रेंच फ्राइज लाई। ये मेरी फेवरेट। ओह, पहले तुम ले लो। केचप के बिना फ्राइज कौन खा सकता है? हाँ, बहुत सारे केचप। वाह, तुम्हें नहीं लगता तुमने बहुत सारे डाल दी? ओह नहीं, अभी नहीं, मुझे अपनी फ्राइज पर केचप अच्छी नहीं लगती। मैं डिप करके खाती हूँ, जिसका मतलब है मुझे केचप डालने के लिए थोड़ी जगह चाहिए। ठीक है, अब कोने क्रिम्प हो गए। अब मेरे पास केचप के लिए जगह है। देखा, मैंने अपने लिए कॉन्डिमेंट ट्रे बना ली। खैर जो भी है। हाँ, मेरे हाथ पर क्या है? ये केचप कहाँ से आई? ओह, ये तो नीचे से निकल रही है। ये तो सारा ही खराब हो गया। ये मेरे भगवान,
तुम्हारे पूरे चेहरे पर फ्राइज है। मैंने तुम्हें कहा था ना, तुम बहुत केचप डाल रही हो। हाँ हाँ, बहुत मजा किया है ना। शुक्र है मेरे पास बर्गर है। आज बहुत बुरा दिन है। गॉसिप करने से अच्छा और कुछ नहीं होता। अब हमें जाना चाहिए, है ना? शुक्रिया। आधा आधा बाटे। ये लो, मिलकर कितना अच्छा लगा। वो ये तो मेरे लिए कुछ ज्यादा ही चिकी है। डेनिम शॉर्ट्स के नुकसान हाँ, पर दुख की बात ये है, चलना चीजों को और बेकार बना देता है। मुझे बस अपनी मैथ की नोटबुक चाहिए। क्या तुम? भगवान, ये कुछ ज्यादा ही बेकार लग रहा है दोस्त। लोग तुम्हें देख सकते हैं। एक लड़की वही करती है जो उसे करना चाहिए। शायद मेरे पास कुछ है जिससे मदद हो जाए। क्या वो फेल्ट है? क्या? मुझ पर भरोसा रखो, मुझे लगता है मैं इससे कुछ कर सकती हूँ। अपने शॉर्ट्स उल्टा करें और लेग्स को ऐसे मोड़ें। फेल्ट के स्क्वायर पर हॉट ग्लू लगाएं। अब इसे साइड सीम पर चिपकाएं। जब दोनों साइड्स हो जाएं, इन्हें पहन कर देखें। सब कुछ ढक गया, देखो फेल्ट वाली ट्रिक बेस्ट है। चलो चलते रहे, ठीक है। बैटी, तुम्हें देखकर बहुत खुशी हुई दोस्त। हाँ, और तुम मेरे लिए केक लाई हो, कितनी प्यारी हो तुम। ये लो, मैं बस चाय ही पीऊंगी, शुक्रिया। चाय की बात करें तो एमी को एक नया अजीब बॉयफ्रेंड मिला। वाह, वो इयररिंग सुंदर है। हाँ, मैंने ये अभी ही लिए हैं। गा, मुझे माफ करना लिली, तुम्हें लगता है कि ये दाग छोड़ेगा? चिंता मत करो, ये ठीक है। अब मैं पूरे दिन गीली रहूंगी। क्या ये पैर तुम्हें फिट होगा? मुझे लगता है नहीं, पर शायद मैं इसे ट्राई करूं और देखूं। मैं बस यहाँ स्नैक खा रही हूँ जब तक तुम तैयार हो रही हो। ये सोचते हुए कि इनमें से कोई अच्छा भी है, नहीं मुझे थोड़ा फ्लफी चाहिए। खैर, वो मेरा साइज तो बिल्कुल नहीं है, यहाँ थोड़ी सी जगह है। हाँ, मैं बस इन्हें पकड़े रहूंगी। मेरे इयररिंग्स, शायद ये काम कर जाए। पीछे का हिस्सा हटाएं और पोस्ट को यहाँ चिपकाएं और पीछे वाले हिस्से को लगाएं। पैंट्स और जिपर खोलें और होल्स को इयररिंग्स पर अटकाएं। बढ़िया, और ऐसे ही प्यारे लग रहे हैं। तुम्हें पसंद आया? अब मैं फिर से दिन का मजा ले सकती हूँ। भूख लगी है? नहीं, मैं डालूंगी इस बार, ठीक है। अब मुझे अपने बॉयफ्रेंड के बारे में और बताओ। क्या गेम था, इसकी जीत तो पक्की थी। हाँ? ये क्या है? मुझे अक्सर बबल बाथ नहीं लेना चाहिए। लिली और उसका नहाना, मैं बाद में आकर नहा लूंगा। और कुछ समय में वो डरावना था। मुझे इसीलिए नहाना नहीं पसंद। केविन, ये सामान यहाँ क्या कर रहा है? मैं इसे उधार ले सकती हूँ? नेक पिलो के पीछे डबल साइडेड टेप लगा दें। अब इसे उतारें। अब बैटर में सर रखने वाली जगह पर इसे चिपका दें। अब आराम से बैठो और मजे करो। आज यहाँ पर कोई नहीं डूबेगा। मर जाओ ज़ॉम्बीज, मर जाओ। नहीं, वो मत पकड़ो। सच में मुझे इसे रात को ही चार्ज कर लेना चाहिए था। क्या यहाँ पर मेरा चार्जर है? क्या मैंने यहाँ रख दिया था? इतनी जल्दी नहीं, चार्जिंग केबल की लड़ाई अब शुरू हो चुकी है। मुझे दो, मैंने ये पहले देखा, ये बुरा होता जा रहा है। ओ,
कितना गंद है। क्या माँ ने वो देख लिया? हमने तूफान मचा दिया है। लिली, ये ढूंढ रहे थे? मैं इसमें कैसे फंस गया? इस गंद को देखो, मैं इसे इकट्ठा कर दूंगा। लिली मुझे डस्ट पैन देना भूल गई। अब मैं उसके बिना क्या करूं? ये पुराने क्विज़ेस के लिए क्या ख्याल है? शायद इसका अच्छा इस्तेमाल हो सकता है। एक कागज के कोनों को गीला करते हुए शुरू करें। ध्यान रहे कि ये गीला हो। गीले कागज को जमीन पर रखें और अपनी उंगली से इसे चिपकाएं और इसी तरह से इसके ऊपर मिट्टी आ जाएगी। अब तुम वापस फ्लावर पॉट में जाओ। अब चीजें आसान हो गई है। हम बस पकड़े जाते, मिल गई। पर लगता है तुम्हें अभी नहीं चाहिए। शुक्र है उन्होंने कुछ नहीं देखा। चलो यहाँ से भाग जाए। मुझे नई मूवी की 2 टिकट्स मिली, लेकिन वो 10 मिनट में शुरू होने वाली है। कोई बात नहीं, मैं यही इंतजार करूंगा। बढ़िया आउटफिट चुनना और अपनी बाल बनाना। तैयार होने में कुछ ज्यादा ही समय लग जाता है। क्या तैयार हो बेला? मैं अभी तक अपनी सीट पर होता। क्या अभी सिर्फ 1 मिनट हुआ है? मैं भी अपने बालों को सेट करता हूँ। वो क्या ये असली डायमंड है? इसे पहनना कैसा होगा? ये कितना चमकदार है। क्या ये केविन है या केवीना? ये गंदा है। क्या ट्रिप है? हाँ? ये फंस गई। ठीक है, घबराओ मत। क्या ये तेल है? इसे ये निकल जाएगी। अगर आपके पास धागा है तो इसके ऊपर थोड़ा तेल डालिए। अब इसमें से धागे को निकाल ले। अब बैंड के नीचे स्ट्रिंग को लगाएं। टूथपिक का इस्तेमाल करके इसके कोनों को अपनी उंगली के ऊपर तक रैप कर ले। अब दूसरी तरफ से बैंड के नीचे से इसे ऊपर खींचना शुरू करें। बैंड भी ऊपर आ जाएगा। और ये रहा, बच गया। वो टॉवल तो भूल ही गया था। क्या हम चलें? दोबारा सो रहे हो केविन? हाँ? ये इतना ब्राइट क्यों है? ये समय है उठने का। लेकिन ब्रेसलेट नहीं भूल सकता, मैं इसे रोज पहनता हूँ। लेकिन ये अब आने में मुश्किल कर रहा है। सुबह कार्टून का टाइम। चलो भी, बहुत गुस्सा रहा है। चलो दूसरे एंगल से ट्राई करें। अगर मेरी उंगलियां बिल्कुल सीधी रहती है। गाह! काश मेरे पास मदद के लिए क्रूमेट होता। मैं ट्राई करता रहूंगा। रनअवे पेपर क्लिप, शायद ये मेरी मदद कर सकता है। पेपर क्लिप्स आपकी मदद करते हैं अकेले ब्रेसलेट पहनने में। क्लिप को इस तरह खींचें और अपने खुले ब्रेसलेट की साइड पर एक को हुक करें। एक हाथ से दूसरी तरफ को पकड़ कर रखें। अब ब्रेसलेट को घुमाएं और हुक लगा दें। वाह, मैं मान नहीं सकता ये काम किया। पूल पार्टीज आपको बिल्कुल थका देती हैं और केविन इसी से जूझ रहा है। यक्स, कितना गंद मचा हुआ है। लगता है पार्टी बहुत मजेदार थी। मैं अपनी आंखें भी नहीं खोल पा रहा। वो क्या, ये जुबकी तो बहुत लंबी थी। मैं सब साफ कैसे करूंगा? थोड़ी लुका छिपी का समय है, तो चलो।
इसके साथ समय बर्बाद नहीं कर सकता। मुझे इसे और जल्दी करना होगा। हाँ, इसे क्या हुआ है? ओ चलो भी। ओ, मुझे पता है, मैं पुराने तरीके से करूँगा। ये इस तरह क्यों चिपक रहे हैं? ये बहुत ही बुरा है। लगता है मैं इसे और भी खराब कर रहा हूँ। हटो मुझसे। क्या ये कन्फेटी और भी गंद मचा सकती थी? मेरा मतलब है, जरा देखो इसे। वैसे यही इसका हल हो सकता है। झाड़ू पर डबल साइडेड टेप लगाएं, बैकिंग को हटाएं और काम पर लग जाएं। अब सफाई देखना। ये बहुत अच्छे से काम करता है। अब मॉम कुछ पता नहीं लगा पाएंगी। मुझे घर जाना होगा। सोफिया, राजकुमारियां ऐसे गहने पहनती हैं, है ना? अगर मैं होती तो बहुत अच्छा करती। पता चला सनस्क्रीन सही काम करती है, अगर तुम उसे लगाना याद रखो। सांस लेने में भी दर्द हो रहा है। तुम बहुत ही बुरे लग रहे हो। हे भगवान, बहुत बुरा जलता है। लाना, मदद करो। आओ, तुम्हें थोड़ा शांत होना होगा। मेरी माँ को बता देना कि मैं उनसे प्यार करता हूँ। कोई बात नहीं, पर तुम्हारे पैरों को क्या हुआ है? तुम घर पर पूरा भीग ले आए हो। अब तुम हर जगह रेत ले जाओगे। बस मुझे मेरे शूज मिल जाए। नहीं, नहीं मिलने वाले। आउच, ये बहुत तीखी है। एक सेकंड रुको, क्या मैं इसके साथ कुछ कर सकती हूँ? मैं इसका ध्यान रखूंगी। लगता है सैंडल्स एक स्क्रबर में बदलने वाले हैं। ब्रश को उल्टा करें और पीछे की तरफ हॉट ग्लू लगाएं। चारों तरफ लगाएं और फिर चप्पल की सोल पर लगा दें। और अब कोने पर थोड़े और ग्लू लगाएं और इसके ऊपर थोड़े प्लास्टिक के ज्यूल्स लगा दें। जितने रंग उतने बेहतर। जब आप हील्स पर कर लें तो ये हो गया। बहुत ही बढ़िया। अब इसे शावर में रखें और अपने मिट्टी वाले पैर इसमें डाल लें। अब मिट्टी बहुत ही आराम से निकल जाएगी। और एक आलसी इंसान के स्क्रब के बारे में क्या ख्याल है? क्योंकि क्लीन फीट हैप्पी फीट होती है। दिन की शुरुआत के लिए एक गर्म शावर से बेहतर कुछ नहीं। लगता है सोफिया को कॉल आ रहा है। नहीं, मैं अंदर से फोन कैसे उठाऊं? ये विकी है, वो अपनी कल रात की डेट के बारे में बताने वाली होगी। मेरे हाथ बहुत गीले हैं। हेलो, मेरा फोन टूट गया। बहुत बढ़िया, अगली बार नहाते हुए बात करने के लिए ये हाथ ट्राई करें। फोन को इस प्लास्टिक के पीस के ऊपर रखें और इसे आउटलाइन से मार्क करें। साथ में कुछ जगह छोड़ते हुए अब लाइंस के साथ काट लें। अब प्लास्टिक का थोड़ा बड़ा टुकड़ा लें और रेक्टेंगल को उसके ऊपर चिपका दें जो आपने काटा है। हॉट ग्लू इसके लिए अच्छा है। जब ग्लू लग जाए तो इसे उल्टा करें और कोनों को दबाएं। रेक्टेंगल के ऊपर के हिस्से पे ग्लू ना लगाएं। हाँ, इसे देखो, ये आपके फोन के लिए छोटा वाटरप्रूफ पॉकेट है। ओह, तुम इसमें अपना आईपैड भी रख सकते हो जोर जोर से रोने के लिए। अब आप नहाते हुए शोज देख सकते हैं, बातें कर सकते हैं। बस कैमरा मोड ऑफ रखें। कुछ एंटरटेनमेंट से प्यार होना चाहिए। हाँ, लिक्विड ने मुझे दोबारा कॉल किया। हाँ, मुझे अपनी डेट के बारे में बताओ और बिल्कुल शुरू से शुरुआत करो। हाँ, ये समय है केविन के घर पर मूवी नाइट था। यिक्स, लगता है जस्टिन पहले से ही अपनी कैंडी का बाल खा गया। रिफिल करने का समय। मूवी देखते समय लोगों के ऊपर से जाना बहुत अजीब है। और जब आपको पता चले उतनी देर में आपको वापस आना होता है उस अजीब स्थिति पर। हे, ये नए जूते हैं जस्टिन। ठीक है, रोबोट शहर पर कब्जा करते हुए वापस।
लगता है दोबारा खत्म हो गए। ओह, ये बार बार क्यों हो रहा है? मुझे इतनी जल्दी जल्दी खाना बंद करना होगा। लगता है जस्टिन अकेला नहीं जिसे रिफिल करना है। रुक जाओ दोस्त, सोफिया को जाने दो, वो कोने पर है। ओहो, मैं इसमें क्यों फंस रही हूँ? वैसे इससे मुझे कोई ख्याल आता है। रुक जाओ, मैं बस आ रही हूँ। इस तरह की एक खाली बोतल लें। जब आप इसे तीन हिस्सों में बांट दें, इस तरह आप इसे कुछ नए में बदल सकते हैं। कैंची की मदद से नीचे से दो लंबे पीसेस काटें और बीच में रुक जाएं। जब ये हो जाए इसे एक दूसरे में लगा दें और अब एक लंबा और गोल ग्लास का वास लेकर आएं। इसे सीधा रखें और इसमें वो पेपर के पीसेस डालें जो आपने अभी बनाए। अब अपनी पसंदीदा कैंडी डालें। इसे अलग अलग सेक्शंस में जाने दें। हर सेक्शन को अपनी पसंदीदा अलग अलग कैंडी से भरें। और याद है जो ढक्कन आपने काटा था और इसे बंद करने के लिए उसे ऊपर से लगा दें। ठीक है लड़को, कैंडी वापस आ गई। ये अच्छा है ना? इसे बार बार रिफिल करने के लिए उठने से बेहतर बस इसमें से थोड़ा निकालें, अपनी जगह बिना छोड़े। बस ध्यान रहे कि ढक्कन टाइट हो और अपनी मनपसंद चीजें डालें। तो चलो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना जस्टिन। हाय मॉम। हाय स्वीट हार्ट, तुम ये कहाँ से आई हो? मैंने बस अभी फर्श साफ किया था, अब इसे साफ करने का एक ही तरीका है। खैर, अगर ये मॉम के तरीके से किया जाए तो यार ये बहुत बुरा होगा। ओ, मैं क्या करूं? शायद ये काम आएगा। एक हवा से भरा हुआ गुब्बारा लें और अपना गंदा शूज पर रखकर हवा निकाल दें। जब हवा निकल जाएगी तो ये शू प्रोटेक्टर्स बन जाएंगे, क्योंकि हमें गंद नहीं मचाना चाहिए, है ना मॉम? ओ, तुम तो मुझे रुला ही दोगी। ये पढ़ाई बहुत बोरिंग है, चलो गेमिंग ब्रेक लें। ये मुझे दो, पढ़ाई करो। पर मॉम मेरा लैपटॉप नहीं लेकर जा सकती, मुझे पढ़ना है। मॉम, चाहे तुम जितने भी तेज हो, मॉम तुम्हें हमेशा पकड़ ही लेती है। अब मेरे पास बस मेरा फोन ही बचा है, मैं इसे कैसे छिपाऊं? शायद मैं अपनी पेंसिल से कुछ बना सकूं। अपने फोन को उल्टा करके रखें और एक ग्लू गन से केस के ऊपर ग्लू का एक ज़िगज़ैग पैटर्न बनाएं। अब ग्लू के ऊपर कलर पेंसिल रखें और अपनी सारी मनपसंद कलर्स। शानदार। जल्दी मॉम आ रही हैं। इसे उल्टा कर दो। क्या तुम पढ़ रही हो बच्ची? अच्छे से पढ़ो। मॉम को क्या पता मैं अपनी बेस्टी को आज रात की पार्टी के लिए टेक्स्ट कर रही हूँ। ये रेस्टोरेंट हमेशा से बढ़िया है, बस मैंने अपना मेकअप खराब ना किया हो। मैं बिल के बारे में तो भूल ही गई। काश मेरे पास हो, शायद मेरा कैश यही हो। लिली, तुम्हारे पैसे। मैं कितनी पागल हूँ, मेरे आजकल में पैसे जरूर घूमेंगे। एक सेकंड रुको, ये मैग्नेट्स मजबूत है ना? और शायद ये मेरी परेशानियों का हल है। अगर आपके पास खुले पैसे हैं, तो इनके ऊपर इस तरह मैग्नेट्स रखें और डक टेप लगा दें। एक और नोट रखें और फोल्ड कर दें। बूम, ये पैसे अब कहीं नहीं जा रहे, लेकिन कुछ तो इस बिल को भरने के लिए जा रहे हैं। चीजें संभालना अच्छा लगता है ना? ये दोनों सच में मेहनत कर रहे हैं। यहाँ पर बहुत ज्यादा गर्मी है, क्या हम ये सुबह तक पूरा कर लेंगे? मेरा जूस, हमारा आर्ट प्रोजेक्ट,
मैं कितनी पागल हूँ, मैं और ये मनहूस मनहूस जूस। बेचारी लिली, बहुत सारे बलून्स बचे हैं और ये ही लिली की परेशानी का हल है। एक गुब्बारा ले और टिप को काटे। अब जूस का ग्लास ले और बलून को इसके ऊपर लगा दे। हाँ, ये तो बच्चों वाली सिपी कप्स की तरह है, गिरेगा भी नहीं, देखो। ठीक है, चलो दोबारा से शुरू करें। ये क्या है? वाह, बहुत बढ़िया स्टीवन। चीयर्स। तुमने सोचा भी कैसे? सैटरडे को ही खेलने का समय मिलता है। अब इसे देखो। हे, ये रुक क्यों गई? चलो भी। लगता है खेलने का समय गया। शायद इसे बस थोड़े जूस की जरूरत है। मुझे बस इसे खोलना है। ये बिल्कुल बंद है। लिली, क्या तुम्हारे पास स्क्रू ड्राइवर है? ठीक है, वो हमेशा मेरे टूल्स मांगता है। ये ही होगा। ये चाहिए। बस अब बैटरीज आ जाएंगी। इस स्क्रू के लिए बहुत छोटा है, बिल्कुल भी नहीं जा रहा। मुझे अलग साइज लेना चाहिए था। माफ करना दोस्त। लिली के पास यहाँ और कौन से टूल्स हैं? यहाँ बहुत सारे हैं कि मैं चुन ही नहीं पा रहा। मुझे अपनी गाड़ी के साथ खेलना है। ये चीज काम क्यों नहीं करती? अगर ये थोड़ी सी भी बड़ी होती तो काम करती। हे लिली, क्या मैं ये हरा इलास्टिक देख सकता हूँ? लेकिन मैंने बस अभी ये गुद बनाई है। मुझे अच्छा नहीं लगता। ठीक है, चलो करते हैं। इस हैक के लिए स्क्रू के ऊपर रबर बैंड लगाएं। ये जगह को भर देगा ताकि स्क्रू ड्राइवर लग सके। ये काम कर रहा है, देखो। अब बैंड को हिलाएं और अपनी उंगलियों से निकाल ले। खुल जाओ सिमसिम। चलो मिलते हैं दोस्तों। अब मैं वापस काम पर लग सकता हूँ। ये रहा तुम्हारा इलास्टिक बैग। तुम्हारे सहारे ने आज का दिन बचा लिया लिली। अब मैं इसे दोबारा चला सकता हूँ। काश के स्नैक्स पार्टी के लिए काफी हो और मैंने गुब्बारे लिए। फेवर्स। केविन, तुम यहाँ हो और ये तोहफे भी। हाँ, तुम बहुत अच्छे हो केविन। तुम हमेशा मुझे अच्छी चीजें देते हो। ये रैपिंग भी बहुत सुंदर है। सस्पेंस बढ़ता जा रहा है। ये कितनी प्यारी पेंटिंग है। बहुत बहुत शुक्रिया। कैसे मुझे वहां लगाना चाहिए? पहले अपने टूल्स ले आओ। मिल गया। और इससे मैं बहुत जल्दी टांग दूंगी। चलो करें। मुझे नहीं लगता कि यह हथौड़ा इसके साथ काम आएगा। हो सकता है, मैं दिखाता हूँ। शुक्रिया कैव। ठीक है, ये मेरी बारी है। मुझे सही से करना होगा। अब ये पिक्चर के लिए तैयार है। तो चलो। ओ नहीं, ये नहीं टिक रही। चलो भी, लग जाओ। इसमें क्या खराबी है? ओह, मैं देख सकता हूँ। माफ करना लिली। एक मिनट रुको, मुझे टैप दो। लगता है तुम कुछ करने वाले हो। ये लो, मैं पहले से जादू महसूस कर सकता हूँ। अगर आपके कैनवस में कोई छेद नहीं है तो उसके ऊपर सोडा टैप लगाएं। इस तरह स्क्रू करें। अब ये बिल्कुल कील के ऊपर टंग जाएगा। सही है। बस अब पार्टी शुरू होने वाली है। तो क्या तुम मुझे ये टांगने में भी मदद करोगे? तुम्हारे लिए कुछ भी ले ले।
घर बहुत सुंदर दिखने वाला है। ओ केविन, थोड़ा दाईं ओर मुड़ो।